Welcome once again to my channel Learn with Pritha. All of you are bored of lockdown. अरे मुझे भी घबराहट हो रही है लॉकडाउन से, लेकिन आज मैं जिस लॉक की बात करने वाली हूं, वो लॉक सुनकर आपको घबराहट नहीं होगी. ये एक ऐसा लॉक है जो आपके सारे सॉल्यूशंस को अनलॉक कर देगा और इसकी चाबी आपके पास होती है. So I'm going to talk about a lock. Harrison? No. Godrej? No. मैं एक ऐसे लॉक की बात कर रही हूँ जो एक छोटी बच्ची की कहानी से डिराइव करा गया है. वैसे तो हम सब बड़ों से सीखते हैं, बट जिस लॉक की मैं बात कर रही हूँ जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी. हाँ, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी. छोटी बच्ची की कहानी द थ्री बेयर्स से डिराइव करी गई है. अब मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस लॉक की बात कर रही हूँ जो आपकी लाइफ की सब समस्याओं का समाधान आपके सामने ला के रख देगा, आपको सही राह दिखाएगा, वो लॉक है गोल्डी लॉक. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोल्डी लॉक प्रिंसिपल की, मैं बात कर रही हूँ गोल्डी लॉक सिद्धांत की. अब ये गोल्डी लॉक है क्या भाई? हैरिसन लॉक सुना था, गोदरेज लॉक सुना था, अरे आजकल तो डिजी लॉक भी सुना है. ये गोल्डी लॉक क्या है? गोल्डी लॉक का मतलब है जस्ट द राइट अमाउंट, जितना सिर्फ जरूरी है उतना. सुना था हमने एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एंड स्केसिटी ऑफ एवरीथिंग, किसी चीज की अधिकता और किसी चीज की कमी, दोनों ही खराब होती है. और ये जो गोल्डी लॉक प्रिंसिपल है, अब ये कैसे आपकी लाइफ को आसान करेगा? क्योंकि आप अपनी लाइफ के हर स्फीयर में, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. आप कॉन्फिडेंस की बात करिए, अगर ओवर कॉन्फिडेंट होता है कोई पर्सन तो उससे भी परेशानी है. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप अंडर प्रिपेयर्ड होंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो बहुत ऐसे रिस्क ले लेंगे जो आपके लिए डेंजरस है. भाई आपने इन्वेस्ट कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में और पता चला वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं था. इसी तरह अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कई जॉब इंटरव्यूज आप क्रैक नहीं कर पाते, आप किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होते क्योंकि आप अपने को इन लॉज के सामने, फ्रेंड्स के सामने, स्पाउस के सामने आप अपनी बात नहीं रख पाते, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो इवन इन द केस ऑफ कॉन्फिडेंस, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, नीदर टू हाई नॉट टू लो इज रिक्वायर्ड. आप कंफर्ट की बात करिए, भाई आराम करना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर ओवर कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा कंफर्ट आप लेते हैं तो क्या होता है, आप जिंदगी में पीछे रह जाते हैं. आपकी जो प्रायोरिटीज हैं आप उन पे काम नहीं करते, आप लेजी हो जाते हैं, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपके बहुत काम पेंडिंग रह जाते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते, कंफर्ट नहीं देते अपनी बॉडी को, तो क्या होगा, आपकी बॉडी एक जगह आकर रुक जाएगी. भाई कार है हमारी बॉडी, एक कार या ट्रेन की तरह है, अगर फ्यूल उसमें खत्म हो रहा है और भरेंगे नहीं तो कैसे चलेगी? पेट्रोल भरवाते हैं, देन वी स्टॉप इट एट द पेट्रोल पंप, राइट, देन ओनली यू फिल द फ्यूल. चलती हुई कार में फ्यूल नहीं फिल होता. इन द सिमिलर वे, इफ यू हैव टू एनर्जाइज योर बॉडी, तो आपको अपनी बॉडी को कंफर्ट एक पर्टिकुलर लेवल तक देना पड़ेगा. सो जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ कंफर्ट, ये थिंकिंग की. भाई कुछ लोग बहुत सोचते हैं, नहीं, मैं सोच में नहीं डूबी हूं. जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, वो बहुत एंशियस होते हैं, वो डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, वो इमोशनली बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं. लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं सोचते वो बहुत जल्दी गड्ढे में गिर जाते हैं. दोज हु थिंक लेस एंड दे टेक एक्शन विदाउट थिंकिंग, मेनी टाइम्स दे रिग्रेट इट. क्योंकि कई बार अगर आप बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं तो उसके परिणाम, उसके कंसिक्वेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं. इसलिए जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ थिंकिंग. इसके बाद आप बात करिए फ्री टाइम की. हम सब कहते हैं हमें फ्री टाइम चाहिए होता है, या आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है कि या तो आप सारे टाइम खाली रहेंगे
या फिर आप बिल्कुल भी खाली नहीं रहते। सो अगर बहुत एक्सेस ऑफ फ्री टाइम है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। अगर टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रीगेन्ड, आप टाइम वेस्ट करेंगे, हमेशा फ्री टाइम रहेगा तो आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे। और वैसे भी कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, खाली रहेंगे फालतू की बातें सोचेंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिप करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं और आप रोज ये सोचते हैं हाय किस दिन जिंदगी में थोड़ा सा खाली टाइम मिलेगा, तो ये भी सही नहीं है। तो अगर उसमें आप थोड़ा मी टाइम अपने लिए, सेल्फ केयर के लिए फ्री टाइम नहीं निकालेंगे, अपने माइंड की क्लटरिंग को दूर नहीं करेंगे, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, नए थॉट्स नहीं आएंगे और आपका दिमाग और बॉडी बहुत जल्दी थक जाएगा। सो द राइट अमाउंट ऑफ फ्री टाइम कैन give lot of solution to your lot of problem. आप irritate नहीं होंगे या आप इतने ज्यादा खाली हैं कि दूसरे को irritate नहीं करेंगे। Let's talk about medicine. एक छोटा सा example but very relevant कि Goldilocks principle कैसे आपकी life में apply होता है। अगर आपको one tablet per day खानी है and you are taking two tablet per day, so it's an overdose of medicine and it can cause lot of problems. और अगर एक की टैबलेट की जगह इफ यू आर टेकिंग हाफ टैबलेट, आधी खा लेते हैं आधे कल खा लेंगे, दो दिन का काम चल जाएगा, देन द रिक्वायर्ड डोज आपकी बॉडी में नहीं जाएगी और आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। सो द राइट अमाउंट ऑफ डोज ऑफ द मेडिसिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्योर योर हेल्थ कंडीशंस। आप बात करिए एक्सरसाइज की, जिमिंग ही करते रहे, सो ओवर एक्सरसाइज, ओवर एक्सर्शन एंड इन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सरसाइजिंग which is not as per आपकी बॉडी टाइप, आपका जेंडर, आपकी एज, आपकी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और अगर आप भाई महीने में एक बार आपको याद आता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा रखती है, आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल रखती है, ओवरऑल आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। सो जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। बात करिए पैम्परिंग, आजकल पैम्परिंग ऑफ चिल्ड्रन इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, भाई बच्चों को पैम्पर करना चाहिए, उनको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। ओवर पैम्परिंग ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो नॉट गुड, अगर आप ओवर पैम्पर करेंगे तो वो लाइफ की आगे की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो इमोशनली हर्ट जरूर होंगे, वो हर जगह आपका साथ ढूंढेंगे, वो प्रोटेक्टिव फील नहीं करेंगे बाहर। बट अगर एट द सेम टाइम आप पैम्पर थोड़ा रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं करते, तो आपकी उनकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, आप उनके साथ वो इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाएगा आपके साथ, और शायद फिर जैसा एक रिलेशनशिप चाइल्ड के साथ होना चाहिए वो नहीं होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, जिस कारण बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ पैम्परिंग इज रिक्वायर्ड, और यहाँ भी गोल्डिलॉक्स प्रिंसिपल उतना ही अप्लाई होता है। अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, वॉटरिंग ऑफ प्लांट, अगर आप ओवर वॉटरिंग करते हैं तो क्या होता है, रूट्स रॉटन हो जाती है, रूट सड़ जाती हैं जड़ें। अगर आप अंडर वॉटर करती हैं तो क्या होता है, पेड़ सूख जाता है। लेट्स टॉक अबाउट मनी। हाँ मुझे पता है भाई, ज्यादा से सबको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ज्यादा पैसा होने से भी बहुत प्रॉब्लम है। एक्स ऑफ मनी से कई बार आप गलत आदतों में पड़ सकते हैं, आप गलत रास्तों पे जा सकते हैं, बहुत लोग ईगोइस्ट हो जाते हैं, बहुत लोग में नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है, और बहुत सारे लोगों में बिहेवियरल चेंजेस भी देखे गए हैं। बट एट द सेम टाइम अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी अर्न नहीं कर रहे हैं जितनी चाहिए कंफर्टेबल लाइफ के लिए, तो भी समस्याएं हैं, फिर लोग उसमें भी गलत राह पे जा सकते हैं टू अर्न द मनी, ताकि बेसिक नीड पूरी हो जाए, आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, आप खुद एक एवरेज कंफर्टेबल लाइफ लीड नहीं कर सकते। सो रन आफ्टर मनी बट जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ मनी। एंटरटेनमेंट वर्ड तो जब तक तीन बार बोला नहीं जाता तब तक कुछ किस्सा ही नहीं पूरा होता। सो येस आई नो एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है और आजकल तो एक्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, बट लेट्स लुक एट इट, अगर हर समय एंटरटेनमेंट ही चलेगा तो लाइफ की जो बाकी प्रायोरिटीज हैं उसका क्या होगा?
यू नो थ्रू आउट द डे इफ इट्स अ स्टूडेंट. अगर कोई स्टूडेंट है वो सारे दिन टीवी वॉच करता रहेगा तो वो पढ़ेगा कब, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को टाइम कब देगा. अगर हमारे जैसे एडल्ट इंडिविजुअल्स हैं, अगर हर टाइम हम अपने एंटरटेनमेंट में ही लगे रहेंगे तो लाइफ को आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे, अपने स्किल्स को आगे अपग्रेड कैसे करेंगे. बट अगर बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं है, बहुत ही लो लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो हम बोर हो जाएंगे, हमें मोनोटनस लगेगा. एक समय आएगा जब हमें लगेगा अब लाइफ में हम ऐसी लाइफ आगे हर समय लीड नहीं कर सकते, तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे, हमें डिप्रेशन हो जाएगा, हमें स्ट्रेस हो जाएगा, हमें लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हम इरिटेट होंगे. इसलिए जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट. अब आप फैशन की बात करिए, भाई ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग इज बैड, दैट्स व्हाट आई सेड. गोल्डीलॉक प्रिंसिपल बोलता है कि ओवर मेकअप कर लिया या एज पर सिचुएशन ओकेजन आप ड्रेसअप नहीं हुए, भाई बिकॉज यू हैव सो मेनी थिंग्स यू आर गोइंग टू जस्ट वेयर देम, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. बट एट द सेम टाइम वेन एवर यू आर गोइंग समवेयर, यू नो यू आर गोइंग फॉर अ हैप्पी ओकेजन, और आप बहुत डलनेस जैसा क्लोथिंग पहन के जाते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी से मैचिंग नहीं पहनते हैं, आप जो गेटअप ले रहे हैं विच इज not as per that, तो वो भी आपकी इमेज को इम्पैक्ट करता है. यू नो योर पर्सनैलिटी गेट्स डिफाइंड बाय द वे यू ड्रेस अप, यू वेयर, यू कैरी योर सेल्फ. सो बाय फैशन आई मीन दैट यू नो अ बिट ऑफ इन ट्रेंड बट नॉट ओवर डूइंग एनीथिंग. लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नो समटाइम्स लोग बहुत बोलते हैं तो कई बार गलत बातें सामने बोल देते हैं, कई बार बातों बातों में वो भूल जाते हैं किससे बात कर रहे हैं, एंड समटाइम्स दे पुट फॉरवर्ड सर्टेन थिंग्स विच वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेड एट दैट प्लेस एट दैट टाइम. बट एट द सेम टाइम देर आर फ्यू पीपल हु स्पीक वेरी लेस. वो हर बात अपने मन में रखते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं को किसी से शेयर नहीं करते हैं, जो कहना चाहते हैं वो बता नहीं पाते. तो इन लॉज के साथ, स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ कई बार उनकी रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होती है. इसलिए कम्युनिकेशन भी जस्ट इन द राइट अमाउंट होना चाहिए. यू सेड समथिंग. Oh, I know you are saying apply the same principle to your video. I know I'm doing overloading of information now and overloading is not good. So yes, I'm going to apply that principle to my video too and I'm going to wrap up this soon. So friends, गोल्डीलॉक्स principle को हर जगह apply करके देखिए. जब भी आप life में कुछ भी कर रहे हैं, just think that let me think from the perspective of Goldilocks principle. I'm sure you're going to apply this principle to your life. So if you like, please subscribe and don't forget to press the bell icon.